अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, और मैं हूं अली, और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अयोध्या न्यू रेस्टोरेंट। तो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। ओ यार, कमाल की चीज है भाई। अच्छा, चार लड़के खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आठ नौ थे। बाकी यार कमाल की चीज है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये जो मेन फ्लोर है आपको सबसे पहले इन लोगों की जाएगा। किसी भाई साहब कितने प्यारे तरीके से दिख रहा है, तो आप यहाँ से देखिए। और ये थोड़ा सा आपको फ्रंट व्यू ये देखने को मिल जाएगा, तो चलते आगे और एक्सप्लोर करते हैं। भाई ने सही बोल। ओए हो, साउंड कहाँ से आ रहा है? चले चले ये भाई होटल का व्लॉग बना रहे हैं, इतना प्यारा। तो देख सकते हैं हम लोग इसके टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं, जो कि ये इंटीरियर का डेकोरेशन कितना प्यारे तरीके से किया गया है। तो हमारे दोस्त भी आए हैं भाई, ये विराट भाई हैं, और ये अरविंद भाई हैं, और ये शिवम भाई हैं। तो देख सकते हैं ये लोग भी हमारे साथ एंजॉय करने वाले हैं, और पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं क्या क्या चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है, और कितने सूटेबल तरीके से क्या प्राइस होने वाला है। कि भाई साहब एकदम स्वर्ग लग रहा है यार, क्या गजब डेकोरेट किया गया। तो हमारी अयोध्या में सबसे यूनिक तरीके से अगर कुछ है, ये आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा देखिए कितने प्यारे तरीके से ये बना हुआ है, चलते हैं और भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम देखिए ये इंटीरियर डेकोरेशन है आपका, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देख सकते हैं टेबल वगैरह। ये फैमिली वाला है, कोई रिजर्व किया जाता है, क्योंकि अयोध्या में है, पहली बार है, तो कुछ नया है, कुछ नया देखने को मिलेगा तो हमारे द्वारा। तो आप देखिएगा पूरा, और किस प्रकार से और भी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो ये देखिए पूरा कम्बाइंड टेबल इस साइड है, और इस साइड देखिए पूरा सेपरेट करके बैठने की पूरी व्यवस्थाएँ की गई हैं। और मेन जो यहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए ये इंक्वायरी ऑफिस टाइप का यहाँ बनाया गया, तो किचन वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो ये भी बहुत गजब डेकोरेट किया गया है। तो भाई आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये देखिए, और इसका कल्पना नहीं कर सकते कि इतना यूनिक तरीके से हमारी अयोध्या में भी कुछ है। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ के जो फर्नीचर्स वगैरह हैं वो भी बहुत प्यारे तरीके से मेंटेन किए गए हैं। तो आप इस सेट पर देखिए, और जितना है ये, जितना अभी आप अंदर देख रहे हैं इंटीरियर, इससे भी प्यारा जो आपको व्यू है आपको बाहर का देखने को मिल जाएगा। तो वो जो आपको दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है, तो वो दिखाते हैं। ओपन जो ओपन व्यू है यहाँ का, वो आपको दिखाते हैं सबसे खूबसूरत तरीके से वहीं पे है। तो प्रेजेंट टाइम आप यहाँ पे देखिए, लोग तो बहुत ही कम यहाँ पे हैं, क्योंकि सब लोग ओपन व्यू का काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग वहीं चलते हैं, सबसे पहले आपको ओपन व्यू दिखाते हैं। तो अरविंद भाई, कैसा लगा आपको ये डेकोरेशन? जैसा कि हम मतलब देखे थे पर वैसा ही है, सेम सब कुछ। आप यहाँ आइए और एंजॉय करिए। तो अयोध्या में कुछ अलग है कि नहीं? हाँ, सबसे देखा जाए तो इस समय ट्रेंडिंग यही चल रहा है हमारे देश ट्रेंडिंग। तो भाई साहब देखिए, मेरे भाई हैं जो ये भी इंस्टा पे रील देख कर आए थे कि हाँ हमारी अयोध्या में भी ऐसा कुछ है, तो बहुत प्यारे तरीके से। तो विराट भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपको देखिए जैसा, ये आपको यूनिक कुछ लगा? तगड़ा था एकदम, रील में तो देखा गया मैंने। तो भाई आओ आपको फिर बाहर का व्यू दिखाते हैं। देखिए भाई साहब फुल एंजॉय करने वाले हैं, तो हम चलते हैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखाते हैं कि वो कितने प्यारे तरीके से। Thank you.
लोग आ चुके हैं, ये है ओपन डेकोरेशन। जो ओपन डेकोरेशन आपको देखने को मिल रहा है ये भी बहुत ही यूनिक तरीके से, ये देखिए पूरा ओपन भाई साहब, ये क्या गजब का। और इस साइड देखिए कितना प्यारे तरीके से इसका जो व्यू है खिलकर आ रहा है। और इस साइड देखिए फर्नीचर वगैरह यहाँ पे जो लगाया गया बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही लेटेस्ट लगाया गया। तो आप ये पूरा देखिए एक सेल्फी पॉइंट के बेसिस से इसको बनाया गया। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो लोकेशन, ये एकदम नेचर से एकदम रूबरू हमको कराता है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से और एक प्यारा से यहाँ पे देखिए भाई साहब वाटरफॉल बनाया गया है। कमाल हो गया भाई। और इसमें मतलब जैसे वाटरफॉल का जो साउंड होता है वो बहुत प्रॉपरली इसको एलिमिनेट करके बनाया गया है, तो बहुत यूनिक तरीका है। और बीच साइड देख सकते हैं किनारे किनारे थोड़ा सा इसका वेस्ट भी बनाया गया है, तो वो भी बहुत अच्छा तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो कुछ डेकोरेशन आपको आगे दिखाते हैं जो कि ऑन रूफ ऑन किया गया है। तो आप इस साइड देख सकते हैं पूरा डेकोरेशन, और इस साइड भी लोग कितने अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं भाई। एक प्रकार से ये फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का है जो कि हमारी अयोध्या में सबसे यूनिक और सबसे नया है। तो आप ये पूरा देखिए, और बेसिकली इसका जो खूबसूरती है और जो डेकोरेशन है वो आपको नाइट के व्यू में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप ये देखिए पूरा भाई, पूरा कैसे लग रहा है कि एकदम जन्नत में आए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या में पहली बार ऐसा एक यूनिक रेस्टोरेंट देखने को मिला है। तो भाई कुछ अलग तो है इसमें, आप देख सकते हैं पूरा। तो भाई साहब यहाँ की जो फीचर्स, यहाँ की फैसिलिटीज जो है वो भैया लोग से जानेंगे जो कि यहाँ पे ये यूज़ कर चुके हैं। तो भैया क्या नाम आपका? अच्छा, तो आपको ये सबसे यूनिक से अयोध्या में ये रेस्टोरेंट कैसा लगा? ठीक है, अच्छा। अगर रेटिंग की बात करते हैं तो 10 से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इसे? 8। कोई कितना भी परफेक्ट रहे, कोई ना कोई कमी थोड़ा बहुत होता है उसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे भैया इस रेस्टोरेंट के? तो क्या सोच के आप आए, कहाँ से पहले बार सजेशन कहाँ से मिला आपको आने का? अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से सोशल मीडिया से देख के आए हैं, तो अच्छा लगा। सोशल मीडिया की पावर देखी, रील्स भी देखा, जो रिव्यू है वो बहुत बेहतरीन है। ज्यादातर लोग एक चीज हमें कॉमन दिखा कि ये लोग सोशल मीडिया के द्वारा ही इसका पता चला, जैसे इंस्टाग्राम पर रील वगैरह के द्वारा ही पता चला है। तो बहुत बेहतरीन यहाँ का जो लुक है ये देख सकते हैं। तो भाई ये प्यारा सा यूनिक सा प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रहेगा। तब तक के लिए राम राम दोस्तों। कमाल की भाई वीडियो भाई ने बना दिया है अयोध्या में, आप देख ले यकीन करें, अभी तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। लेकिन भाई इस होटल पर आए तो ये तो एक एक लग्जरी टाइप का भाई होटल मतलब कि आपको नज़र आ रहा है। इस जैसे बंदे को तो इस होटल में मतलब कि एक इंट्री भी नहीं होता, गेट पर साइड पर बिठाया होता है, 5 रुपया दे दो बाबा। भाई आपकी बात हो, मैं भी अपने कर रहा हूं, गेट पर बिठाया होता है लेकिन वो बोटी पाने के लिए। इतना मैंने नहीं सोचा, 5 रुपए वाला नहीं बिठाया होता। लेकिन काफी है भाई, इधर तो कोई चीज है नहीं, इधर पाकिस्तान में ऐसा होटल मैंने तो नहीं देखा, शायद होगा इधर लाहौर वाली साइड पर, बड़ी गर्दन वालों के पास। इधर भाई आए तो भाई अयोध्या में यकीन करें वाकई फर्स्ट टाइम देखा है। और भी चीजें काफी एक मतलब के खूबसूरत है, ये नहीं की एक होटल ही है। लेकिन आप इंटीरियर देख लें, इंटीरियर भाई, डेकोरेशन देख लें, डेकोरेशन कमाल की, फर्नीचर के ऊपर आ जाए, लाइटिंग के ऊपर आ जाए, लेकिन जो भाई वहाँ पे मॉल उन्होंने दिया हो ना, यकीन करो एक दफा चास करवा दिए। जो दरवाजे उन्होंने वो बनाए हुए थे ना, वो 3 जो है ना, उनमें फिर छोटे छोटे ऐसे लगा के, वो भाई एक कमाल की चीज, इंटीरियर यार बहुत प्यारा। फर्नीचर पर आ जाए तो वो यूनिक सी चीजें लगाई हुई, छोटी छोटी कुर्सियां और प्यारा प्यारा एक मॉल बनाया हुआ यार, एक अच्छा स्टेप है फैमिली वाला। आप दे लो कि अयोध्या नेक्स्ट जो है ना वो एक आप विजिटर के हवाले से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत मकदार में आपको जो है ना वो नेक्स्ट जो आने वाले दिन है, बल्कि आप तो रेगुलर चल जाएगी ना ये
चीज़ पूरी दुनिया से, दुनिया के हर कोने से लोग आएंगे यहाँ पे विजिट करने। तो जहरी बात है इस तरह के होटल होना ज़रूरी भी है, लेकिन भाई जिसने भी ये आइडिया लगाया ना उसने भाई कमाल कर दिया। आप देख लो कि नीचे आप बेस पे आ जाएं या ऊपर जो उन्होंने एक छत के ऊपर वो जो सिस्टम बनाया फैमिली सिस्टम अलहदा है, बाकी जो है ना वो लोग अब आ भी रहे हैं खा भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इंप्रेस्ड हो रहे हैं जो रील्स वगैरह देखते हैं ना, उन्होंने भाई कहीं रील में देखा। यार बहुत पावर है सोशल मीडिया की इंडिया में कि एकदम से लोगों ने इतनी ज़्यादा रील्स देखी हैं, और ये जितने भी एक ज्यादा है ना वो रील्स देख कर ही आए हैं, उन्होंने देखा एक रील भी देखी आज, सॉरी एक रेस्टोरेंट भी देखेंगे खाए पिएंगे भी और एक मॉल भी वहां कर चेक कराएंगे, और वही एक चीज़ है कि एक प्यारा सा मॉल बना हुआ है एक बार टाइप नहीं जैसे ऊपर आ जाए वो उन्होंने बहुत एक अच्छा एक डेकोरेट किया हुआ कुर्सियां वगैरह लगा के आगे, क्योंकि आज आजकल जो डेकोरेशन में ना सबसे ज्यादा ये जो पौधे निकले हुए हैं ना ये जिस तरह वो आपने पीछे रखे ये काफी जो है ना वो खूबसूरती इनसे बनती है, लेकिन उन्होंने भी भाई एक दफा डिजाइन करने में कसर जो बंदे ने आइडिया लगाया ना होटल वाला इस सीजन में वो बंदा कोई भाई एक मतलब के दुबई का शेख मुझे लगता है उस जैसा उसका माइंड है। देखो ना एक अयोध्या में नेक्स्ट इतना एक टूरिज्म बढ़ेगा आपकी सोच है कितने लोग आएंगे कितना एक रश होगा और कितने लोग ये मतलब के होटल की तरफ रजू करेंगे, ऑलरेडी इतनी बुक्स हो चुके हैं होटल वगैरह, लेकिन जो रहते हैं ना उनकी भी एक रेट हाई हो चुके हैं और लोग खरीदेंगे ऐसे कि मतलब के लोग उधर जा स्टे करेंगे एक वेट करेंगे वो चीजें ऑलरेडी एक मतलब के एक हो चुकी है स्टार्ट। लेकिन मैं बीबीसी न्यूज़ से देख रहा था जो नेचर का टच दिया हुआ ना नेचर वो जो पीछे भाई एक मतलब के वाटरफॉल था ना वो पहाड़ों मतलब के पत्थरों से छोटे छोटे पत्थर लगा कर एक प्यारा सा वो कमाल का था। रूफ पर भी एक उन्होंने बनाया हुआ है ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं जाकर एक नहीं काफी छत पर नहीं ओपन है ओपन रूफ है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई लोग देखो ना अब इसमें कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अब स्टार्ट पे जिसे इंटर जो छत के ऊपर उन्होंने वो लगाए हुए थे वो डब्बे से हैं ब्लैक एंड व्हाइट जो रूफ बनाई हुई थी इसके नीचे बहुत प्यारी चेयर्स उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन भाई कमाल का था यार बाकी अच्छा भी इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ भैया इंजॉयमेंट कर रहे हैं बिल्कुल। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।